ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस इस कॉन्सेप्ट में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाले जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और यार एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना यार वीडियो के नीचे, क्योंकि यार आप सभी के कमेंट को पढ़कर मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज यार एक कमेंट जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार आप सभी के लिए ऐसे रोजाना कंटेंट आते रहते हैं, हर हमेशा क्रिएटिव न्यू कंटेंट आते रहते हैं। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर गाइस आप में से किसी भाई का अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे तो गाइस उस भाई के लिए मैंने अपने नए चैनल पे एक ये वाला वीडियो बनाया है, तो गाइस आप इस वाले वीडियो को जाकर वहाँ पे वॉच कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप इजीली जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज किस नए वीडियो का हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को पहले अपनी फोटो को कुछ स्टेप से क्लिक करवा लेना है। देन गाइस उसका बैकग्राउंड ट्रेस करने के लिए क्या करना है गाइस आप सबको ड्रॉ टूल में चले जाना है। एंड गाइस ड्रॉ टूल में आपको पहले अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस इरेजर को क्लिक करना है एंड इसकी सेटिंग को जो है गाइस आप सभी को साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है एंड हार्डनेस को गाइस 90 तक रख देना है। देन गाइस उसके बाद यहाँ पे आप सबको फटाफट से अपनी फोटो यहाँ पे इरेज कर लेना है, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ फटाफट। तो गाइस इसके रेज होते ही आप सभी को इस वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देन गाइस आप सभी को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना जिसका आपने अभी बैकग्राउंड रेज किया है एंड इसको गाइस यहाँ पे आपको फटाफट से ऐड कर लेना है। एंड जो गाइस वेस्ट एरिया हो आपको उसको फटाफट से रेज कर देना है। एंड गाइस उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस यहाँ से हम ओपेसिटी फुल कर लेंगे। देन इसको यहाँ पे गाइस हमें ऐड फोटो में जाना, फिर ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस जो हमारे ऊपर का हिस्सा था गाइस हम सिंपली उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आपसे भी कुछ स्टेप से इसको ले लेना है। एंड गाइस उसको यहाँ पे कुछ स्टेप से ऐड करने के बाद आपसे उसको अपने हैंड में कुछ स्टेप से लगा देना है, ठीक है। एंड ओपेसिटी कम करके आपको ये चीज़ चेक कर लेनी कि गाइस आपके पूरे फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब कि आपके हेयर वेयर्स के मुकाबले पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये चीज़ आप सभी को चेक कर लेना है। एंड ओपेसिटी कम करके चेक करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यार उससे ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ की ओपेसिटी यहाँ पर कम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम ओपेसिटी कम करते हैं। एंड उसके बाद गाइस इरेज करेंगे इसको, हम यहाँ से इरेजर टूल में जाएंगे, इसके हार्डनेस को हम फुल कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ से हम फोटो को जूम करेंगे एंड ऊपर के एरिया से लेके नीचे तक हम पूरा इरेज कर देंगे। ओके गाइस सो इतना कर देने के बाद आपसे दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड उसके बाद यहाँ से आपसे भी ब्लैक कलर का पीएनजी लेना है एंड इसको गाइस आपको उसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना, ब्रश को लेना है एंड साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है एंड ओपेसिटी हार्डनेस कम कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम फोटो को जूम करेंगे एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हम इसकी शेडो बनानी, तो गाइस हम कुछ स्टेप्स ऐसे शेडो बनाएंगे यहाँ पे, तो आपसे भी शेडो बनानी है एंड एकदम अच्छे तरीके से बनानी है, एकदम रियलिस्टिक टाइप से, जिससे कि गाइस आपसे भी एकदम रियल लगे फोटो। तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे इरेज करते हैं बाकी एरिया एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डन करेंगे एंड इसका जो जिसको मूव टू डाउन कर देंगे एंड कुछ स्टेप से नीचे हो जाएगा एंड ओपेसिटी अपने अकॉर्डिंग हम रख लेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे परफेक्ट, अब हम इसको यहाँ पे डन करते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे इतना तो कर लिया, अब गाइस इसका हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसकी हम ब्राइटनेस वगैरह, तो हम एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस जो इसको हम हल्का सा कम करेंगे एंड यहाँ पे जो इसका सैचुरेशन वाला ऑप्शन, इसका हम सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है, का सैचुरेशन आज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे 10% कुछ एंड इसको यहाँ पे डन कर देंगे। अब गाइस इस फोटो को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं ऐसे लाइट रूम ऐप में, तो उसका हम ऐसे बैक चलते हैं एंड लाइट रूम ऐप में ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है। अब गाइस आपसे को करना है कि आपसे को जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, लाइट वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है एंड जो इसका हाईलाइट होगा गाइस इसको थोड़ा सा कम कर देना है एंड जो इसका शेडो होगा आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है एंड जो नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे ब्लैक आपको उसे थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड जो व्हाइट होगा गाइस इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। देन जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को आपको थोड़ा बढ़ा देना है एंड जो इसका टेम्परेचर होगा उसको हल्का सा कम कर देना है। देन जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है
एंड जो ल्यूमिनस होगा आपको उसको बढ़ा देना है। फिर जाना आपको येलो कलर में इसका ह्यू माइनस आपको चेंज तो आप अंडे का जो कलर है इसका ह्यू चेंज कर सकते हो एंड बाकी आपकी मर्जी है। फिर जाना आपको ब्लू कलर में इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा सा कम कर देना है, थोड़ा प्लस कर देना है, देन डन कर देना है एंड जाना नीचे वाले टूल में। फोटो की जो क्लियरिटी है आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा वो आपको हल्का सा बढ़ा देना है। एंड गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आपको उसमें विग्नेट डाल के एंड नीचे जो आपको मिला ग्रेन अमाउंट आपको थोड़ा बढ़ा देना है एंड चले जाना आपसे नीचे वाले टूल में। फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना एंड जो गाइस न्यू डायरेक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे मिलेगा आपको कलर न्यू डायरेक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस ऐसा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Oh, oh, oh.